केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया विमान हादसे में दो पायलट की मौत हो गई। लैंडिंग के दौरान रनवे से स्लिप होने से हादसा हुआ, जिसमें मथुरा के को पायलट अखिलेश कुमार भारद्वाज की मौत हो गई। दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके 33 साल के पायलट अखिलेश पीछे छोड़ गए तीन छोटे भाई बहन, माँ बाप और एक गर्भवती पत्नी, जिसकी 10 दिन बाद डिलीवरी होनी थी। आने वाले नन्हे मेहमान के लिए परिवार में खुशी मनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन उससे पहले अखिलेश की मौत की खबर आ गई। इससे परिवार में मातम पसर गया। परिजन यकीन नहीं कर पा रहे कि अखिलेश अब इस दुनिया में नहीं है। साल 2017 दिसंबर में अखिलेश की शादी मेघा से हुई थी और परिवार में सबसे बड़ा बेटा था। कल भी केरल रवाना होने से पहले उन्होंने अपनी माँ बाला देवी से फोन पर बातचीत की और अपना ख्याल रखने को कहा था। 21 अगस्त को छुट्टी पर उन्हें घर जाना था। मथुरा के लाल का पार्थिव शरीर लाने के लिए छोटा भाई और परिजन केरल रवाना हो गए हैं, जो देर रात घर पहुंचेगा। बता दें, केरल विमान हादसे में दो पायलट समेत 18 लोगों की मारे जाने की पुष्टि हुई है, वहीं 170 लोग बचा लिए गए हैं। विमान बारिश से कोझिकोड रनवे से स्लिप हो गया और दो हिस्सों में टूटकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। न्यूज़ डेस्क।